एक दूजे के वास्ते। हाँ तो तूने इधर भोपाली तो आना ही, रास्ते में। चाची आप मेरी कमांडिंग ऑफिसर नहीं है, वीर को मैं पिक कर लूंगी। अब और लेट ना हो जाओ तो आपका इमोशनल वाला लेक्चर ना बाद में सुनो। बाय। वो सूबेदार के जमाई राजा का ध्यान रखना। डॉक्टर बेस्ट ऑफ लक। किस लिए? वो आपके फादर का केस। वो केस मैं ही जीतने वाली हूँ। पता है क्यों? क्योंकि झूठ चाहे कितने भी पैसे भागे, जीतता सच ही है। और तुम अपने बॉस को मक्खन लगाने से नहीं, काम करने से आगे बढ़ो। मैम मैं तो वो, और फालतू की चीजों में तुम्हें पैसे उड़ाने में पता नहीं क्या मजा आता है, पर तुम्हारा एंगेजमेंट का एडवांस कल तक पहुंच जाएगा। आपने रिकमेंडेशन किया? पता नहीं लोग शादी क्यों करते हैं, मुझे सिर्फ बोन समझ में आती है गरिमा। अगर हड्डी टूट जाए तो उसे प्लास्टर लगा के जोड़ा जा सकता है, पर रिश्ते। बोल देना कर्नल को कि कैप्टन डॉक्टर सुमन तिवारी ने किया, और वो ड्रॉअर लॉक्ड रहना चाहिए। अगर खुला ना तो डॉक्टर तिवारी से कोई भी पंगा लेगा, बैंड मेरी बजेगी, नौकरी जाएगी सवाला। अरे शंभू इसे साफ कर जल्दी। तुम्हारी सिस्टर को इन्फॉर्म कर दिया, शी इज कमिंग। ए चैंप, चोट लगी? थोड़ी सी। दर्द हुआ? थोड़ा सा। रोया? बिल्कुल नहीं। मैं भी नहीं। पता है मैं भी बड़े होकर आपके जैसा आर्मी ऑफिसर बनूंगा। अच्छा, नाम क्या तेरा? आई एम वीर तिवारी। अरे वाह, तेरे तो नाम नहीं बहादुरी है। बाय द वे आई एम कैप्टन श्रवण मल्होत्रा। कहाँ के रहने वाले हो? भोपाल। तिवारी भोपाल से? आर्मी फैमिली? सिविलियन, बट मेरी दीदू आर्मी में है। आप कहाँ से हो? अरे तुझ में और मुझ में तो ये भी कॉमन है, मैं भी भोपाल से हूँ। बताओ सोचा था किसी ने? फिर तो हम दोनों को फ्रेंड्स होना चाहिए ना। अपना हाथ आगे कर। नहीं ऐसे, अभी ये ज्वाइन कर, ये है फ्रेंड्स वाला हैंडशेक, भूलेगा तो नहीं ना? कभी नहीं। भोपाल आओगे मुझसे मिलने? प्रॉमिस। कैप्टन मल्होत्रा अगर आप अपना नंबर दे दें तो, इन केस वीर के पेरेंट्स अगर आपको थैंक्स बोलना चाहें तो। ऑफ कोर्स। अच्छा सुन, मैं ना अपना नंबर देके जा रहा हूँ, घर जाते ही मुझे फोन करना, कप्पे शप्पे मारेंगे बहुत, ठीक है? पक्का। लेकिन ये शप्पे क्या होता है? तू ना घर जाके फोन कर मुझे, तब बताता हूँ, ठीक है? सौरभ जा तो रहे, पर पता नहीं भोपाल का माहौल कैसा हो, जब तक एडजस्ट हुए फिर चल दिए। बात तो सही है सर। Was my favorite cadet? ठीक हो? आपके कैडेट को क्या हो सकता है? You are the same unit. जंग पे अगर किसी सोल्जर को चोट लग जाती है तो पूरी यूनिट उसका और भी ज्यादा ध्यान रखती है, क्योंकि यूनिट में मैं नहीं हमेशा हम होता है ना? सुमन तिवारी तुम एक दिन बहुत बड़ी ऑफिसर बनोगी। Yes. सेम यूनिट। रोए तो नहीं ना? इत्तू सा भी नहीं, दूसरे कैप्टन भी नहीं रोए, और अब वो मेरे फ्रेंड है। उन्होंने मुझे प्रॉमिस भी किया है कि वो मुझे मिलने आएंगे, वॉर में सेम टू सेम है। सर ये किस कैप्टन की बात कर रहा है? वही जिन्होंने एक्सीडेंट में वीर की जान बचाई। सर अगर आप मुझे उनका नाम बता देते, आई रियली लाइक टू थैंक हिम। ये उनका कॉन्टेक्ट नंबर है, वैसे अभी निकले, शायद आपको बाहर ही मिल जाए। थैंक यू, चलो वीर। ओए उधड़ी चमड़ी को थोड़ी देर पहले ही सिला डॉक्टर ने, कम से कम एक दिन ताको को आराम तो दे। चल मैं चलाऊंगा।
शादी वादी की डेट फाइनल हुई कि नहीं? देखो मियाँ, उसके लिए ना अभी बहुत टाइम है, ठीक है? वैसे तुम अपनी बताओ। मेरा तो तू जानता है यार, बस चल रहा है, नई जिंदगी, नए रास्ते और नए सपने। अच्छा मियाँ, इतना निकल लिए नए रास्ते पे कि पुराने रास्ते, पुराने दोस्त और पुरानी जिंदगी ही भूल गए। 4 साल से मिले नहीं हम मियाँ। अच्छा साले, ये मूछे क्या रख ली तूने? मेरे सामने ज्यादा सीरियस बन रहा तू? छुट्टी लेके आया हूँ तो लंबा यही रुकना। साथ में मेरे दोस्त बसी और सौरभ भी आए हैं, मिलके धमाल करेंगे। सही है मियां, अब हम भी दिखाएंगे जब बस्सी को और सौरभ को कि श्रवण मियां और बंटी मियां की भोपाल की मस्ती क्या होती है। वैसे मिया, कुछ बात हुई क्या तुम्हारी उससे? किसे? देखो मिया, तुम ना बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि हम किसके बारे में बात कर रही है, ठीक है? तो ऐसा है ना, अपनी जो ना समझने वाली गंदी एक्टिंग है ना, वो अपने केंट वाले दोस्तों के लिए बचा के रखो, हमारे लिए नहीं। भूल गई है क्या, हम तुम्हारे तब से दोस्त है जब से तुम्हें खुद को याद नहीं है, कब से, ठीक है? और वैसे भी अभी जोर दे ही रही हो ना, तो नाम बता ही देते हैं, सुमन तिवारी से। जब इतना पुराना दोस्त है मेरा और सब कुछ जानता ही है, तो क्यों ले रहा तू उसका नाम? क्यों कर रहा है फालतू की बातें? गुस्सा क्यों हो रही हो मिया? तुम्हारी परवाह करते हैं इसीलिए पूछते हैं। और वैसे भी यूं बात दबाने से काटना बंद नहीं होती मिया। जो नाम तूने लिया है ना, मेरे और उसके बीच में अब कोई रिश्ता नहीं है, और आज के बाद इस टॉपिक पे कोई बात नहीं, स्पेशली मेरे आर्मी फ्रेंड्स के सामने, समझा? मतलब तुम्हारे नए दोस्तों को पुरानी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता? तो तुझे क्या लग रहा है, बड़े होकर मैं दुनिया में ढिंडोरा पिटता फिर रहा हूं कि बचपन में किस किस गड्ढे में गिरा था और क्या क्या बेवकूफियां की थी मैंने? और वैसे भी मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता। ठीक है मियां, अगर तुम आगे बढ़ गई हो ना, तो हम भी तुम्हारे साथ आगे बढ़ेंगे, और आज के बाद तुम्हारे सामने हम उसका नाम कभी नहीं लेंगे। सॉरी मियां, इतना क्या सीरियस होता है? पता है, मेरे बचपन की सबसे बढ़िया बेवकूफी तो तू है, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। छोड़ो यार, तुम तो ना हमको याद ही नहीं रखते, वो तो हम हैं जो तुम्हें कभी भूलने नहीं देते। मिस किए तुमको, पता है? चलो अब तो तुम बहुत थक गए होंगे ना, एक काम करो, तुम ना बढ़िया से रेस्ट कर लो, हा? हम फिर आते दोबारा तुमसे मिलने, हैं? ठीक है? ध्यान रख। ये देखो, ऐसे बदलेगा हमारा इंडिया, कैसे सो रहे हैं। ए झूलेलाल, उठो यार, कैंट जाना है। बसी, अरे सर कैंट दोपहर में जाना है, आपकी छुट्टी चल रही है, आप क्यों तैयार होके बैठे हो यार? क्योंकि सुबह सुबह कर्नल सर की रिपोर्ट करना है और उसके बाद ब्रोकर से मिलना है मुझे। जा रहा है ना, तो तू जा ना भाई, विल कैच अप एट कैंट, टाटा, गुड नाइट। वाह, दोनों में से आंख एक की नहीं खुली और मुझे टाटा बाले कर रहे हैं, ताले कुंभकर्ण गाएंगे। 3, 2, 1। वीर वहां नहीं, रुको। ये लड़का भी ना खाली घर में कूद गया जाके। ये किसका बच्चा आ गया बाहर? ये लड़की चल क्या रहा है बाहर?
चैंप, तू यहाँ कैसे? मैं तो दीदू के साथ छुपन छुपाई खेल रहा था, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो? छुपने के लिए तुझे मेरा घर मिला था। ये आपका घर है? पर ये आपका घर कैसे हो सकता है? ये तो मेरी दीदू का फ्रेंड का घर है। अच्छा, कौन है तेरी दीदू? सुमन तिवारी। तुम आर्मी में कैसे? What do you think, सुमन? मैं भी जानना चाहूंगी सर कि लाइफ के थ्रिल्स छोड़कर कैप्टन मल्होत्रा आर्मी में कैसे? अपने प्यार की वजह से। मुझे किसी से प्यार हो गया था। ओह रियली? किससे? जिससे कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और हो गया सर। अपने देश से सर। हाँ, और इस प्यार और जुनून के बारे में तो आप दोनों बहुत अच्छे से जानते होंगे। तुमने ये बहुत ही सही वर्ड का इस्तेमाल किया, जुनून। प्यार जुनून ही तो है। प्यार में लोग क्या क्या कर जाते हैं, और देश प्रेम, उसकी तो बात ही अलग है। जी सर, उस प्यार में तो चाहे आप जान भी दे दो, तब भी वो प्यार, वो जुनून खत्म नहीं होता। आप बहुत ही मजेदार आदमी हैं कैप्टन श्रवण। थैंक यू सर। तुम्हारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। व्हाट डू यू थिंक कैप्टन सुमन? डॉक्टर सुमन हमारी बेस्ट ऑफिसर्स में से एक है। सर, डीपर टिश्यूज में जो दर्द है वो तो कम से कम एक दो हफ्ते रहेगा, बट पूरी रिपोर्ट के लिए आई सजेस्ट कि कैप्टन मल्होत्रा एक MRI टेस्ट करवा ले, एंड उसके बाद आई वुड ऑल्सो एडवाइस हिम टू गेट अ फिजिकल टेस्ट डन। ओके, अभी पेन है? यस सर। ठीक है, फिलहाल दर्द को कुछ कम करने के लिए अभी कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दीजिए। ओके, तो मैं चलता हूं। टेक केयर गाइस। जय हिंद सर। वैसे तुम्हारे डॉक्टर होने पे मैं इतना हैरान नहीं हुआ जितना ये सुन के कि तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट है ये जानने में कि मैंने आर्मी क्यों ज्वाइन की। क्लियरली आप आज भी अपने आप से ऑब्सेस्ड हैं, इसलिए कुछ चीजें क्लियर कर दूं। पहली, डॉक्टर हूं तो अपने पेशेंट्स में इंटरेस्ट सिर्फ उनकी बीमारी तक रखती हूँ, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है आई रियली डोंट केयर। और दूसरी, मुझे ऑलरेडी पता है कि तुमने आर्मी क्यों ज्वाइन की। और रियली, फिर तो तुम वाकई एक कमाल की डॉक्टर हो जिसे देखकर ही सब कुछ पता लग जाता है। शो ऑफ, तुम्हारा फेवरेट टाइम पास नहीं? इसीलिए आर्मी ज्वाइन की ना तुमने, ताकि सबको दिखा सको कि तुम कितने कूल, कितने स्मार्ट हो। एक डेमो तो देख लिया कर्नल गुजराल के सामने। हमेशा की तरह तुम जो भी कहते हो बस शो ऑफ होता है, खोखला। I'm really sorry, पर मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल गलत था। डॉक्टर से बेटर तो तुम जज होती। और नहीं तो क्या, आप देखो ना कितनी जल्दी मेरे बारे में बिना सोचे बिना समझे सब कुछ डिसाइड कर लिया मेरे बारे में तुमने। मैम, आपके कैबिन का सामान भिजवाया है ऑफिसर गरिमा ने। हाँ, उसे वहां रख दीजिए प्लीज। मैं आए? हेलो। हाँ जी पापा। हाँ पापा, डेट आ गई वर्डिक्ट की। हाँ, आप चिंता मत करिए, बिल्कुल सब अच्छा ही होगा। ठीक है पापा। ये रहा आपका प्रिस्क्रिप्शन, लिख भी दिया है, MRI करवा लीजिएगा। वैसे केस का वर्डिक्ट 25 तारीख को है। 25 तारीख को सुबह 11:40 पे मैटर कोर्ट में ऑलरेडी लिस्टेड है। ये खबर तो मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है। लगता है तुम्हारा वकील तुम्हारे केस की तरह वीक है। अब तुम्हारी तरह कोर्ट के बाहर जजमेंट देने की आदत नहीं है ना मुझे।
बाकी केस का तो 25 को पता चल ही जाएगा। प्लीज एक्सक्यूज मी, मेरे पास और भी बहुत काम है। बाकी सब रख दिया है मैम, ये कहाँ रखना है? गरिमा भी ना, 10 बार कहा था कि सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें भिजवाएं, उसने तो पता नहीं क्या क्या। ये आपको चाहिए? नो मैम। आप रख लीजिए प्लीज, क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारे सीईओ की तरह तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं चलता हूं, यू गाइस कैरी ऑन। जयंत साहब, ओके। अपनी शर्ट उतारो। टैटूज रिश्तों की तरह नहीं कि जब चाहे खत्म। अगर गलती से भी कभी हम अलग हुए ना, तब भी ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ, इस विश्वास के साथ बनाया था कि इस टैटू की तरह हमारा रिश्ता भी परमानेंट है, पर लगता है कि तुम्हें डाउट्स हो रहे हैं। अच्छा जी, डाउट में कोई ऐसा करता है क्या? बैठ जाओ। पापा से ज्यादा डर किसी से लगता है तो वो है सुई। दर्द हुआ क्या? जरूरत थी मुझे ये स्टूपिड सवाल पूछने की। डन। थैंक्स। अपनी शर्ट पहन लो। जिस तरह के जाबाज खतरों से खेलने वाले आप हैं, उससे लगता तो नहीं कि आप अपने घाव का ध्यान रखेंगे, बट फॉर अ चेंज अगर आपने डिसाइड किया है जल्दी ठीक होने का, तो 2-3 दिन में घाव हील हो जाएगा। वैसे आप अपने सारे पेशेंट्स पर ऐसे ही तानों के पत्थर बरसाती हैं या मुझ पे कुछ खास मेहरबान है आप? मुझे वो लोग पसंद नहीं जिन्हें अपनी जिंदगी की कद्र नहीं। इडियट्स, फिर आकर मेरा टाइम वेस्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक तो कह रही हैं आप, पेशेंट्स तो बेशरम है, बीमार होके आ जाते हैं यहाँ डॉक्टर्स का टाइम वेस्ट करने। पर आपके दिन अच्छे चल रहे हैं, 2-3 दिन में आपका घाव हील हो जाएगा, उसके बाद आपके कुछ टेस्ट करवाए जाएंगे। और इन टेस्ट से क्या होगा? आपका कंधा कैसा है, उसकी मोबिलिटी कैसी है, ये सब पता चलेगा। और इन रिपोर्ट से पता चलेगा कैप्टन मल्होत्रा कि आप ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए फिट हैं या नहीं।
कैप्टन तिवारी मैं बिल्कुल फिट हूँ और ड्यूटी पर वापस जाने के लिए भी रेडी हूँ। ये डिसाइड करना मेरा काम नहीं है। एज अ डॉक्टर मेरा काम है आपके टेस्ट करवाना और उनकी रिपोर्ट कर्नल गुजराल को देना। नथिंग मोर नथिंग लेस। देखो सुमन तुम ना प्लीज। कैप्टन तिवारी आई एम सॉरी कैप्टन तिवारी, इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को ज्यादा नहीं उलझाते। केस का वर्डिक्ट आते मुझे वापस लौटना है क्योंकि भोपाल में तुम्हें लिए वैसे भी कुछ नहीं बचाना। मैं अपना घर बेचते चला जाऊंगा, बस आप कुछ ऐसा मत करेगा जिससे मैं यहीं अटक जाऊं। कैप्टन मल्होत्रा मैं सिर्फ अपने सीनियर से ऑर्डर लेती हूँ और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है मुझे अपनी पेशेंट की पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं, आपके लाइफ में आगे के क्या प्लान्स हैं, इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं। एज अ मेडिकल ऑफिसर आपके केस में जो मुझे रिपोर्ट्स में दिखेगा, जो मुझे ठीक लगेगा मैं वही करूँगी। अब उसकी वजह से अगर आपको यहाँ पर अटकना पड़े, लटकना पड़े या निकलना पड़े, आई केयर अ डैम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.